हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। साउंड वेव पढ़े थे, ट्रांसवर्स वेव भी पढ़े थे, वेव इन स्ट्रीम पढ़े थे, वेव ऑन द सर्फेस सब क्या है, वाटर के बारे में पढ़े थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट का जो होता है वो क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ, सम सिचुएशन में वो पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है, हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, सम सिचुएशन में हम उसको वेव की तरह ट्रीट करते हैं। लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह क्या करता है, वेव करता है। तो अभी जो अपना जो चैप्टर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। और ये एग्जाम में जनरली जेई मेंस हो और एडवांस हो, ये क्वेश्चंस तो आपको आता ही है इससे, खासकर जो YDSE है, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट है इस चैप्टर में, जिससे हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आसान भी होता है। आइदर मेई जेई एडवांस ले लो और जेई मेंस ले लो, ठीक है। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है कि लाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि लाइट क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजुअल फॉर अस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या देखा है अभी, कि हमने क्या देखा है कि लाइट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लाइट क्या होता है, जब किसी भी सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर प्रिज्म के केस में आप देखेंगे क्या होगा कि डिस्पर्शन भी होता है या डिविएट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स में क्या देखेंगे कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, इंटरफेरेंस शो करता है, डिफ्रेक्शन शो करता है, पोलराइज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या करता है, शो करता है। तो बहुत सारे फेनोमेनन है, उसके बारे में हम क्या है वन बाई वन क्या है पढ़ेंगे। अभी जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ जो है लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वहाँ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो हर जगह हर जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं फेनोमेनन, कि क्योंकि कुछ कुछ थ्योरी है, किसी ने क्या बताया कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है, कि कोई साइंस स्टूडेंट ने ये बताया कि लाइट क्या है, वेव है, तो कुछ कुछ ड्रॉबैक आते गए। उसके बाद अभी भी इस पर डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है वेव है, अभी भी चल रहा है, अभी भी क्लियर कट आइडिया नहीं है कि लाइट जो है क्या है, वेव की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल, दोनों की तरह हम सोचते हैं, और अभी क्लियर कट कोई मतलब डिसीजन नहीं आया कि नहीं अभी इसको हम पार्टिकल ही कंसीडर करेंगे और वेव ही कंसीडर करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे। तो लाइट जो है क्या है, लाइट के बारे में जानते हैं आप कि लाइट इज ए क्या होगा, इज ए फॉर्म ऑफ क्या होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक ऑब्जेक्ट विजिबल फॉर अस, ये तो आप जानते हो, इसी के वजह से, ठीक है। उसके बाद सम फेनोमेनन, लाइट क्या क्या, लाइट शो फॉलोइंग फेनोमेनन या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लाइट जो है क्या है, इसकी जरूरत है कि लाइट शो फॉलोइंग फेनोमेना, ठीक है। पहला क्या हमने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल क्या होगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ा था, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर लाइट ट्रेवल्स इन क्या होगा, इन ए स्ट्रेट लाइट लाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन
प्रोपगेशन ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। और भी पॉइंट लिख सकते हो, डिस्पर्शन, ठीक है। इधर आप जब लिखोगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस, हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, क्या पढ़ा है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव या इंटरफेरेंस ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये चीज अपने को पढ़ना है, ये पॉइंट, पोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम भी क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो इतना ही क्या है अपने को माइंड में रखना है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, वन बाय वन क्या है हम देखते जाएंगे। तो क्या होगा, लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जो ये बहुत सारे फेनोमेनन और है जो, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है तो फेनोमेनन फेनोमेनन, ठीक है। तो लाइट ट्रेवलिंग में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और क्या होगा, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि न्यूटन ने क्या बताया था, कि सबसे पहले न्यूटन, इसको बोलते हैं क्या, न्यूटन कॉर्पस्कुलर कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, थ्योरी समझ में आया ना, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसको बोलते हैं। न्यूटन ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स की तरह क्या होता है, लाइट इज ए पार्टिकल विच ट्रेवल क्या होगा, लाइट इज ए पार्टिकल विच कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लाइट इज ए क्या होगा, इज ट्रेवल इन द क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, या लाइट इज पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसको यदि हमने कंसीडर किया तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या था कि ये क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को प्रूव किया, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन लाइट जो है क्या है, यदि हम उसको पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन शो नहीं करता है। तो इसका क्या हुआ कि इसका जो ड्रॉबैक था, है ना, यदि हमने इसको कंसीडर किया था तो उसमें क्या था, सभी फेनोमेनन क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, डेविएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एवरीथिंग इज लाइट शो कर रहा था, लेकिन क्या नहीं शो कर रहा था, कौन सा प्रॉपर्टीज, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है क्या है, शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को क्या किया गया, वहां स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं लिख देता हूं, आई मीन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा, बाय यूजिंग दिस थ्योरी
थ्योरी या दिस थ्योरी एक्सप्लेन क्या होगा, ये लिख सकते हैं दिस थ्योरी एक्सप्लेन क्या होगा, रिफ्लेक्ट रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्शन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है, और भी, बट इससे क्या होगा, ड्रॉबैक, इसका क्या था ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ ड्रॉबैक क्या था, कुड नॉट explain आई मीन ये क्या हुआ, इस थ्योरी को यदि हमने कंसीडर किया तो ये जो फेनोमेनन है उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया, लेकिन क्या होगा, पोलराइजेशन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पोलराइजेशन एंड क्या होगा, एंड पोलराइजेशन एंड क्या होगा, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या किया, इस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है। उसके बाद हाइजेंस जो आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, इसके बाद न्यूटन्स के बाद हाइजेंस आए और उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि नहीं क्या है, लाइट जो है क्या है, वेव है ना, लाइट जो है क्या है, वेव है जो किसी भी मीडियम में वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल करता है, क्या करता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल करता है, वेव फ्रंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेव फ्रंट का शेप क्या होता है उसके बारे में हम क्या है पढ़ेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, फिर हम आएंगे न्यूटन्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, आई मीन पहले मैं हाइजेंस वेव थ्योरी ये लिख देता हूं रेडी। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद क्या है कि वेव फ्रंट क्या है, इट इज द क्या होगा, लोकस क्या होगा, इट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल, लोकस ऑफ द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, इन सेम फेस एट सेम टाइम, एट द सेम इन एट द क्या होगा, सेम टाइम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वेव फ्रंट जो होता है वो क्या होता है, लोकस होता है। अब लोकस, अब मैंने ये बताया कि इट इज द क्या होगा, लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कभी कभी आप देखो ना, पॉन्ड है, आई मीन क्या होगा, कोई तालाब है, तालाब में क्या करो, पत्थर फेंक दो, तो जब देखो यहां जब पत्थर फेंकोगे यहां, आई मीन मान लो कि ये क्या है, वाटर है और पत्थर फेंकोगे, तो यहां क्या होता है, वेव क्या होता है, ट्रेवल करता है, वेव ट्रेवल करता है ना इधर ऑल डायरेक्शन में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपल वेव बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, रिपल। तो ये क्या होगा, वेव जो क्या होगा, ट्रेवल करेगा। अब क्या करो, इसको देखो क्या है कि वेव फ्रंट क्या होता है, या इसको इनवेलप भी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, सोर्स ऑफ साउंड हो गया, साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। अब इसको सेंटर मान करके क्या करो, एक कंसेंट्रिक क्या करो, स्फीयर ड्रॉ करो, ठीक है, कंसेंट्रिक क्या करो, स्फीयर ड्रॉ करो। अब देखो क्या है, यहां जो वेव डिस्टर्ब हो रहा है, देखो तो यहां वेव डिस्टर्ब हो रहा है,
यहां से यहां जाने में उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा आर, यहां से यहां जाने में उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आर, इसको यहां से यहां जाने में भी डिस्टेंस क्या है आर, ये भी क्या है आर, है ना। आई मीन यहां जितने जो पार्टिकल्स होंगे है ना, इस सोर्स से, यही सोर्स हो गया ना सोर्स, इसको क्या बोलते हैं रिपल वेव बोलते हैं, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सोर्स अब क्या होगा, सोर्स ऑफ वेव, ठीक है। तो अब देखो यहां, यहां से यहां जाने में, यहां जाने में, यहां जाने में, हर जगह, आई मीन सेंटर से इस स्फीयर के सरफेस पे जाने में क्या है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। उसी तरह इसको भी हम बोल सकते हैं कि यहां से इस पे, इस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाने में क्या है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल पे देखो, तो ये पार्टिकल जो है, यहां जो पार्टिकल है या यहां जो पार्टिकल और यहां, उनके बीच फेज पाथ, पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यार, जीरो। क्यों डेल्टा एक्स क्या होगा कि सोर्स से जितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, और पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ, यही होगा ना। देखो तो आर माइनस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स यदि जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई कितना होता है, बताया था कि कितना होता है, टू पाई अपॉन क्या होगा लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये बताया था ना। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, क्या होगा फेज डिफरेंस, जो हम वेव चैप्टर में पढ़े हैं। दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ डिफरेंस, याद कर लेना पाथ लेंथ क्या होगा डिफरेंस। अब ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा फाई भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आई मीन फाई इज क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया, क्या फेज डिफरेंस जीरो हो गया। आई मीन दोनों क्या है, इस फेज पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सभी क्या होंगे इन फेज में होंगे। आई मीन क्या होगा, विल बी क्या होगा सेम फेज, देख रहे हो ना। फाई क्या होगा, फाई क्या हुआ फेज हो गया, फेज क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। उसी तरह जितने भी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा वेव फ्रंट, क्या बोलते हैं हम इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलेंगे इसको भी, हम क्या बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे। समझ में आया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये फेज, सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ क्या होंगे, जब उनका एक साथ, यदि देखो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो सभी पार्टिकल क्या होंगे ऐसे आएंगे। यदि क्या होगा, एक पार्टिकल यदि अंदर जा रहा है तो सभी पार्टिकल, आई मीन क्या होगा, जब एक पार्टिकल क्या होगा उसका मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो जितने भी इस वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स हैं उन सबका जो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीन पोजीशन से हो क्या होगा मैक्सिमम होगा एंड मिनिमम होगा। ये बात समझ में आए, समझ में आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, इसको हम इनवेलप भी कभी कभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवेलप। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना, लोकस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये समझ में आया ना कि सेम फेज कैसे हुआ। देखो ये हम पढ़े हैं डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, सोर्स से किसी पॉइंट पे जाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इस वेव को, ठीक है, इस वेव को, यहां से इसको दूसरे वेव को, यहां, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव क्या है, ऑल डायरेक्शन में क्या है निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फेज डिफरेंस लिखते हैं तो दो ही का कंसिडर करते हैं, तो एक क्या हुआ, एक वेव यहां से यहां गया, दूसरा वेव, तो इसको यहां से यहां जाने में भी डिस्टेंस आर1 ट्रेवल करना पड़ा, इसको यहां से यहां जाने में भी आर या आर1, तो दोनों को, जब दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए पाथ लेंथ डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। पाथ लेंथ डिफरेंस जीरो हो गया तो फेज डिफरेंस क्या हो गया जीरो हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो गया तो फेज क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा वेव फ्रंट, इसी को हम क्या बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। समझ में आया ना। अब क्या होगा कि शेप ऑफ जो वेव फ्रंट होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ क्या है सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ क्या होगा सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो हम अभी क्या लिखेंगे कि वेव फ्रंट है ना, शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड ऑन द क्या होगा नेचर ऑफ क्या होगा लाइट सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होगा तो हम क्या लिखेंगे शेप, शेप ऑफ क्या होगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ
नेचर ऑफ क्या होगा लाइट सोर्स। देखो साउंड के लिए भी वेव फ्रंट हो सकता है, समझ में आया ना, ये जस्ट हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के क्या होगा नेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा सोर्स के को कंसीडर करेंगे। सोर्स क्या हो सकता है यार, पॉइंट सोर्स हो सकता है, लाइन सोर्स हो सकता है, और क्या हो सकता है पॉइंट सोर्स हो सकता है, क्या हो सकता है लाइन सोर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, या प्लेन सोर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है लाइन सोर्स प्लेन सोर्स, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे वेव फ्रंट का नेचर देखेंगे। तो पहले क्या होगा वैन क्या होगा, देखो तो पहला हम पॉइंट पढ़े क्या होगा कि पहला पॉइंट क्या वैन वैन फॉर क्या होगा फॉर फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ क्या होगा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो यही क्या है दिस इज लाइट सोर्स, यहां कोई क्या है लाइट सोर्स रखा गया है जिसका आप पावर जो है क्या हो डब्ल्यू वॉट है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ क्या है लाइट है। अब देखो क्या करो इसको इसको क्या करो सेंटर मान करके क्या करो एक रेडियस कॉन्सेंट्रिक क्या करो स्फीयर ड्रॉ करो, ठीक है। तो स्फीयर जो होगा वो क्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे, ये बात समझ में आया ना, वेव फ्रंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि वेव फ्रंट क्या है लोकस है, अभी मैंने बताया था। यदि क्या होगा पॉइंट सोर्स होगा उस केस में देखो क्या होगा वेव जो होगा क्या होगा वेव जो होगा क्या होगा ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ही ट्रेवल करेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे क्या होगा वेव ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा ये जस्ट डायरेक्शन मैं बता देता हूं कि डायरेक्शन क्या होगा, ये हालांकि इसमें वेव ऑप्टिक्स में नहीं बताना चाहिए डायरेक्शन लेकिन समझने के लिए। तो ये क्या होगा जब क्या होगा पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा है आपको दिख रहा है ना, वेव फ्रंट कैसा है स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो यहां वेव फ्रंट क्या हो जाएगा स्फेरिकल हो जाएगा। और इंटेंसिटी क्या होता है आपको मालूम है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का डेफिनेशन जानते हैं आप लोग, इंटेंसिटी इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होता है बता सकते हो क्या होगा एनर्जी। तो क्या होगा जब पॉइंट सोर्स होगा सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा पॉइंट सोर्स होगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा जो वेव फ्रंट होंगे वो क्या हो जाएंगे स्फेरिकल होंगे, क्या होंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रहा हूं कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी पर यूनिट क्या होगा पर यूनिट, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं ऑलरेडी बताएं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या होगा पर यूनिट टाइम। तो इस वेव फ्रंट पे मान लो कि ये क्या है इसका रेडियस क्या है आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बता सकते हो इस वेव फ्रंट पे आई मीन इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, यदि पॉइंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी जो होगा वो कैसे चेंज होगा ये ऑलरेडी मैंने बताया है फिर से भी मैं बता देता हूं। तो क्या होगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अपॉन क्या होगा टाइम इनटू क्या होगा एरिया, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ क्या होगा सोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा एरिया जिस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्या होगा फोर पाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर, किसके लिए फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा ग्रेटर द डिस्टेंस। अब तक क्या होगा वेव फ्रंट फ्रॉम द क्या होगा सोर्स ऑफ द लाइट स्मॉलर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द क्या होगा लाइट एंड क्या होगा वाई से वर्सा। तो यहां इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जो क्या होगा ऐसे कुछ आता है आई वर्सेस यदि आर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कुछ इस टाइप का होगा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर, आई मीन इस केस में क्या होगा इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं। एक और पॉइंट याद रखना है कि प्रोपगेशन अब क्या होगा प्रोपगेशन अब क्या होगा
प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, वेव फ्रंट. क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, वेव फ्रंट. देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, लाइट. ठीक है, तो यहां एक पॉइंट और लिख लेना कि क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो होगा क्या होगा, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, वेव फ्रंट. वेव फ्रंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लाइन सोर्स होगा यार, लाइन सोर्स है तो ठीक होगा. लाइन सोर्स के लिए क्या होगा, देखो तो फॉर लाइन सोर्स, दूसरा पॉइंट क्या है, लाइन सोर्स. जैसे ट्यूबलाइट ले लो यार, देखो तो यही क्या है, ये ट्यूबलाइट है. ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, हर जगह ये जैसे आप ऐसे सोच लो कि यही क्या है, ये लाइन सोर्स है. ठीक है, तो यहां से देखो तो यदि आप कॉन्सेंट्रिक क्या करो, ये लाइन सोर्स है, यहां से क्या करो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करो, सॉरी कॉन्सेंट्रिक क्या करो, सिलेंडर ड्रॉ करो, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर. ठीक है, एक और बड़ा सा सिलेंडर देख सकते हो तुम, ये क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, ये ध्यान देना है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक जब होगा उस केस में क्या होगा, आप देख सकते हो क्या होगा कि यही क्या है, दिस इज लाइन सोर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सोर्स ऑफ क्या होगा, लाइट. इसका भी पावर जो है वो कितना है, W वाट का है, W वाट क्या है, मतलब पावर है इसका. ठीक है, तो यहां भी देखोगे कि हर डायरेक्शन में क्या होगा, वेव क्या होगा, वेव जो क्या होगा, ट्रेवल करेगा ऐसे. ठीक है, समझ में आया क्या, ये डायरेक्शन अब क्या होगा, प्रोपगेशन अब क्या है, वेव है. तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वेव फ्रंट. ये क्या होगा, वेव फ्रंट होगा. तो यहां जो वेव फ्रंट है ये भी क्या होगा, दिस विल भी क्या होगा, वेव फ्रंट. एंड दिस विल भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ऐसे जस्ट एरो देता हूं, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, वेव. ठीक है, क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव. अब ये आपको मालूम है कि क्या होगा, इस पॉइंट पे है ना, इस लाइन सोर्स से जाने में क्या होगा, हर पार्टिकल को क्या होगा, सेम टाइम में यहां पहुंचना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सेम फेज में होगा. मैंने क्या बताया था कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब क्या होगा, लाइन सोर्स होगा, क्या होगा, लाइन सोर्स होगा, उस केस में क्या होगा, लाइन सोर्स के केस में क्या होगा, लाइन सोर्स के केस में क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट क्या होगा, यहां वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है, सिलिंड्रिकल, सिलेंड्रिकल है ना नेचर. उसके बाद क्या है, अगेन इंटेंसिटी कितना होगा, देखो तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन क्या होगा, 2 पाई R. यदि मैं इसका हाइट क्या मान लू, L मान लू या H मान लू, सिलेंडर का या लाइन का लेंथ मान लू, तो 2 पाई क्या होगा, R इंटू क्या हो जाएगा, H. तो यहां से बोल सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R. क्या होगा, जैसे ही सोर्स से आप दूर जाओगे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड सो ऑन. समझ में आया क्या, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो जब क्या होगा, लाइन सोर्स होगा तो क्या होगा, वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा. ठीक है, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द क्या होगा, वेव फ्रंट. ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, वेव फ्रंट का रेडियस होगा उतना ही क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, एंड वाई से वर्षा. तो यहां एक पॉइंट और लिख सकते हो, हाँ इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम, कि इसका ग्राफ क्या होगा तुम खुद से बता सकते हो. ठीक है,
अब देखो तो हम लिख सकते हैं यहां क्या लिख सकते हैं कि यदि इंटेंसिटी को हमने कहां रखा वाई एक्सिस पे इधर क्या आर तो ग्राफ क्या होगा ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर ठीक है तो आई वर्सेस क्या है आर ग्राफ ठीक है अब क्या हो सकता है प्लेन सोर्स आई मीन क्या हो जाएगा जिससे मान लो कि क्या है प्लेन शीट है ना तो लाइट सोर्स इज क्या होगा पॉइंट लाइन और दूसरा क्या हो सकता है प्लेन तो तीसरा जो हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे व्हेन लाइट सोर्स इज क्या होगा प्लेन प्लेन समझ में आया ना कि आई मीन ये बोर्ड है ये बोर्ड पे क्या है यहां से लाइट ऐसे क्या है आ रहा है इसको हम प्लेन कंसीडर कर लेते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा देखो ध्यान से उस सिचुएशन में आप देखोगे तो यही क्या है ये प्लेन है ठीक है यहां आप देखोगे तो ठीक है ऐसे ही क्या कर सकते हो आप प्लेन सोर्स ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे ड्रॉ कर देते हैं है ना प्लेन सोर्स के केस में सबसे अच्छा है ये यहां मैं ये ड्रॉ कर देता हूं तो इसमें क्या होगा देखो ये क्या हो जाएगा यही क्या है प्लेन शीट है समझ में आया ना तो यहां देखो वेवफ्रंट जो होगा वो क्या होगा यही वेवफ्रंट होगा क्या वेवफ्रंट ठीक है तो दिस इज द क्या होगा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा वेव ठीक है यहां ये थोड़ा सा ये हो जाएगा मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो समझ में आएगा ठीक है अब तो यहां क्या होगा वेव फ्रंट जो होगा ये दिस इज क्या होगा एरो बताता हूं ये क्या होगा दिस इज डायरेक्शन अब क्या होगा प्रोपगेशन अब क्या हो गया वेव ठीक है और यही क्या है सोर्स है प्लेन शीट होगा या प्लेन सोर्स होगा ठीक है When light source is plane sheet, ऐसे consider कर सकते हो sheet लिख लो ठीक है तो wave front जो होगा वो क्या होगा wave front क्या होगा plane wave front होगा ठीक है इस केस में क्या होगा wave front जो होगा वो क्या होगा plane wave front होगा और यहां अब देखो क्या होगा इस सोर्स से बहुत ज्यादा दूर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट की तरह क्या होगा ट्रीट करेगा और उस सिचुएशन में क्या होगा इंटेंसिटी जो होगा मान लो कि ये क्या है डब्ल्यू वाट का सोर्स है तो यहां इस केस में क्या होगा इंटेंसिटी हम जनरली क्या मान लेते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं यदि क्या होगा हम इन जनरल जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि क्या होगा कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर जो है ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या होगा बहुत ज्यादा दूर है ना उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे जनरली इसका इंटेंसिटी जो क्या है हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट के केस में क्या होगा इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है क्या होता है प्लेन वेव के केस में क्या होता है इंटेंसिटी जो होता है वो क्या है कांस्टेंट होता है तो वेव फ्रंट क्या है कि वेव फ्रंट क्या है ये हमने अभी तक देखा उसके बाद हमने देखा कि वेव फ्रंट के क्या होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा ऑलवेज क्या होता है लाइट जो क्या है ट्रेवल करता है आई मीन लाइट वेव ऑलवेज प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू द क्या होगा वेव फ्रंट ठीक है क्या होगा परपेंडिकुलर टू द क्या होगा वेव फ्रंट तो इस केस में क्या होगा आई मीन यदि आप ये समझ लेना कि सोर्स क्या होगा इंफिनिटी पे हम मान लें तो उस केस में क्या होगा वेव फ्रंट जो होता है वो क्या होता है प्लेन हो जाता है ठीक है अभी मैं बताऊंगा लाइट के सॉरी कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में तो अभी हम क्या देखेंगे वेव फ्रंट इन केस अब क्या होगा सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेव फ्रंट शेप ऑफ वेव फ्रंट ऐसे लिखेंगे क्या होगा शेप शेप ऑफ क्या होगा वेव फ्रंट इन केस ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसके केस में क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं कि कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उस केस में
शेप जो होगा वो क्या होगा, जैसे हम सिंपल क्या कंसीडर कर लें, लेंस कंसीडर कर लेते हैं, लेंस क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस, देखो इधर यही क्या है कन्वर्जिंग लेंस है और ये क्या हो गया इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, यदि क्या होगा सोर्स क्या है इंफिनिटी पे है तो हम यहां मान लेंगे कि क्या होता है वेव फ्रंट क्या होगा प्लेन वेव होगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। एक पॉइंट और यहां ध्यान देना कि दो जो वेव फ्रंट है वो कभी एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया ना, ये भी तुम ध्यान में रखना कि दो जो वेव फ्रंट है वो कभी एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या तुम बताना, कर सकते हैं क्या, ये ऐसे देखोगे, सॉरी यही हो गया ना, देखो ऐसे जस्ट यहां क्या है इधर इधर देखोगे तो प्लेन कौन सा वेव फ्रंट है, यहां सोर्स क्या है, सोर्स हमने क्या मान लिया, सोर्स इज क्या है एट इंफिनिटी, जब भी सोर्स इंफिनिटी पे होगा तो आंख बंद करके क्या है आपको कौन सा वेव फ्रंट कंसीडर कर लेना है प्लेन वेव फ्रंट, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां देखोगे तो ये क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, यहां जो होगा वो क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा क्या, अरे इस केस में क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, समझ में आई बात, तो दिस इज क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहां भी देखोगे इस केस में क्या होगा, इस केस में है ना, ये भी क्या होगा तुम्हारा, दिस इज ऑल्सो क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझ में आया क्या, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कौन सा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस के केस में क्या होगा, देखो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि अलवेज क्या होगा, अब यहां यहां देखोगे क्या हो गया फोकस हो गया है, फोकस हो गया ना, तो इधर से क्या है लाइट यहां मिल रहा है ना, कन्वर्ज कर रहा है, जस्ट ऐसे एरो दिखा देते हैं, ठीक है ठीक है, यहां एरो हम दिखा देते हैं। इस केस में क्या होगा कि वेव फ्रंट जो होगा, देखो यहां क्या हुआ ये पॉइंट सोर्स हो गया, ठीक है, और यहां क्या हो गया ये लाइन सोर्स हो गया, आई मीन सॉरी लाइन सोर्स नहीं प्लेन सोर्स हो गया, सोर्स जब इंफिनिटी पे होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि उस केस में वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा, ये याद रख लेना है लिख लेना तुम, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में क्या होगा वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा एज वेल एज क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है, ये लिख लेना इसको कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जिंग लेंस भी होगा यार, क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस, देखो इधर से क्या है यहां तक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, समझ में आया ना, तो लेंस यहां लिख लेना पहला पॉइंट क्या है, ए में क्या लिखना है लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया आई मीन फर्स्ट पॉइंट में लेंस, ठीक है। ये हमने क्या कंसीडर किया केस वन, ए में क्या हुआ कन्वर्जिंग लेंस, बी में लिख लो क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बता सकते हो, अभी हम ऐसे सोर्स दिया हो तो तुम खुद से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, हमने सोर्स यहां इंफिनिटी पे कंसीडर कर लिया है, तो अब देखो यहां क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होगा, यही डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब यदि पैरेलल बीम सोर्स हमने क्या मान लिया यहां कहां इंफिनिटी पे, ये क्या हो जाएगा देखो ऐसे देखना ध्यान से है ना, ऐसे हो जाएगा इधर कहीं एक जगह ज्वाइंट करा दो इसको, ठीक है ऐसे, ठीक है ये ऐसे हो गया, देखो यहां भी क्या है इधर ये देखो, तो ये क्या होगा वेव फ्रंट क्या होगा ये स्फेरिकल है सॉरी क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा, यहां भी हमने सोर्स कहां माना है सोर्स इज क्या होगा एट इंफिनिटी, तो दिस इज क्या होगा इधर दिस इज प्लेन प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है।
ठीक है, अगेन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्या होगा दिस इज क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होता है वेव फ्रंट ऐसे होता है, मिरर के केस में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपसे कोई पूछे कि वेव फ्रंट जो है उसका शेप जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो जो वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स है उसके नेचर पे क्या होगा डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के लिए क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के लिए क्या होगा वेव फ्रंट का जो नेचर होगा वो क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसके बाद मिरर जो अगला पॉइंट है क्या होगा मिरर, मिरर के केस में क्या होगा अब देखो क्या होगा, मिरर क्या हो सकता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहां एक चीज है कि यहां स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा वेव फ्रंट जो है वो क्या है सॉरी स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर भी होता है प्लेन, तो देखो स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या है ठीक है, ये स्फेरिकल क्या है कॉनकेव मिरर। अगेन हम सोर्स कहीं भी देखो, क्वेश्चन में हम एक जनरल केस कंसीडर कर ले रहे हैं, सोर्स हमने क्या मान लिया है यहां वी इंफिनिटी पे, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा देख रहे हैं ना, तो ये वेव जो है वो क्या है यहां आकर के मिलेंगे, ठीक है, ये मिलेंगे ही नहीं ऐसे भी जाएंगे और क्या होगा ऐसे भी जाएंगे, ठीक है समझ में आया ना। अब देखो इंसिडेंट रे के केस में क्या होगा, ये वाला जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा बताओ, वेव फ्रंट क्या होगा दिस वेव फ्रंट, ये क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। यहां देखोगे इस केस में देखो यहां से ये वाला, ये क्या होगा तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहां भी ये वाला जो होगा वो क्या होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, समझ में आया ना। तो डिपेंड करता है ये क्या हो गया तुम्हारा फोकस हो गया, वो दिया होगा यदि लाइट क्या है यही रखा हुआ है यही बताया गया है, जैसे इस केस में क्या है सोर्स देखो, तो सोर्स यदि हम कहां कंसीडर कर ले फोकस पे कंसीडर कर ले, कहां फोकस पे यही सोर्स रख दिया, तो एक सोर्स जब रखोगे तो देखो तो ये क्या हो जाएगा रे को सेंड कर यार ऐसे, ये क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएगा क्या प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में है ठीक है रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट सिस्टम, इंसिडेंट में क्या होगा यहां देखो ये रिफ्लेक्टेड में क्या होगा इस केस में क्या होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा, लेकिन इंसिडेंट में क्या होगा यार इंसिडेंट में क्या होगा स्फेरिकल होगा, समझ में आया ना। यहां हमने सोर्स यदि क्या होगा फोकस पे रखा, मिरर के फोकस पे रखा क्या है सोर्स, दिस इज सोर्स, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट के केस में क्या होगा जो वेव फ्रंट होगा क्या होगा स्फेरिकल, और रिफ्लेक्टेड के केस में क्या होगा देखो दिस इज नथिंग बट द प्लेन, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मिरर, यहां हमने कौन सा मिरर यूज किया है कॉनकेव मिरर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जितने भी लॉज हैं स्नेल्स लॉ हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ सबको हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद एक दो और पॉइंट है जो मैं बता देता हूं, देखो तो कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है अगेन हमने सोर्स क्या मान लिया इंफिनिटी पे मान लिया देखो, ठीक है ये लाइट सोर्स है, ये देखो तो इंसिडेंट रे के इंसिडेंट सिस्टम में क्या होगा वेव फ्रंट क्या होगा वेव फ्रंट क्या होगा प्लेन होगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओह गलत ड्रॉ कर दिया है ना, ऐसे हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। इस केस में क्या होगा ये इधर कहीं मिलेगा सॉरी, तो यहां देखो रिफ्लेक्टेड के केस में क्या होगा वेव फ्रंट क्या होगा अगेन क्या हो जाएगा स्फेरिकल होगा ना,
तो दिस विल बी क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मिरर के प्लेन मिरर के केस में देख सकते हो, प्लेन मिरर के केस में देख सकते हो यहां क्या होगा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, प्लेन मिरर, ठीक है। यहां देखो यही प्लेन मिरर है। अभी जितने भी हैं देखो, यहां भी हमने सोर्स कहां मान लिया है, इंफिनिटी पे मान लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां देखो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव, वेव फ्रंट नहीं, समझ में आया क्या। अब देखो क्या है, मैं तुमको बता रहा हूं यहां क्या होगा। देखो यहां जो वेव फ्रंट होगा, देखो ये क्या होगा, दिस इज वेव फ्रंट, तो ये क्या होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम, रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऐसे बोल सकते हैं, ये प्लेन मिरर है एंड दिस इज क्या हुआ, इंसिडेंट। इसी को यूज करके तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां जो है वेव फ्रंट, मैंने क्या बताया ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो दिस विल बी क्या होगा, वेव फ्रंट, समझ में आया ना। ये क्या होगा, दिस विल बी क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। यदि ये एंगल क्या है, आई है, समझ में आया क्या, ये एंगल आई होगा। देखो ये 90, ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, समझ में आया क्या। उसी तरह यहां जो ये वेव फ्रंट है वो क्या है, देखो ये वेव फ्रंट होगा, दिस इज वेव फ्रंट, जस्ट मैं ये बता रहा हूं तुमको, ठीक है। वेव फ्रंट जो होगा ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, यदि ये क्या होगा वेव फ्रंट, यदि ये एंगल क्या है आर है, तो यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आर हो जाएगा, समझ में आया ना। तो दिस इज द क्या होगा, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होगा, दिस इज प्लेन मिरर, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ऐसे दिखा देता हूं, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट वेव, दिस इज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा। अब देखो ये कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे यार, प्लेन वेव फ्रंट होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, हमने ड्रॉ नहीं किया है। अभी मत बोलना कि ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, प्लेन वेव। तो यहां से देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्या होगा, वेव फ्रंट के द्वारा क्या है, इफ वेव फ्रंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा या आई विद क्या होगा, प्लेन मिरर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो जाएगा, आई। इस केस में यदि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में वेव फ्रंट मिरर के साथ क्या है, आर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर हो जाएगा, समझ में आना, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर, तुम यहां से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अरे ये क्या हुआ तुम्हारा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहां से भी क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, सॉरी स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मिरर के केस में क्या होगा, देखो यदि इंसिडेंट क्या होगा, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट दोनों केस में क्या है, इंसिडेंट सिस्टम में और रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के केस में हम देख लें यार तुम खुद से देखो, तो रिफ्रैक्शन के केस में बता देता हूं, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, देखो ये क्या होगा, ये मीडियम क्या है, वन है, ये क्या है, N1, हम मान लेते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन क्या है, N1, यहां देखो ये क्या है, अगेन सोर्स हम कहां मान लेते हैं, इंफिनिटी पे, ठीक है, दो ही कंसीडर कर रहे हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा,
डेंसर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द क्या होगा ऐसे कुछ है ना, यही होगा ना। देखो ध्यान से यार, तो ये किधर बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां वेव फ्रंट देखो, यही वेव फ्रंट होगा यार, प्लेन वेव फ्रंट होगा क्या, प्लेन वेव फ्रंट। अगेन यदि हम एक इस एंगल को देखो ध्यान से, ये क्या होगा तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट हो गया, यहां क्या हो जाएगा वेव फ्रंट जो होगा ये ऐसे होगा क्या, देखो तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस पे, इस पे। ये डायरेक्शन अब क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इस केस पे वेव फ्रंट कितना होगा बता सकते हो, अरे ऐसे होगा क्या, ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां। अब देखो ये एंगल अगेन आर है, सॉरी ये एंगल क्या है आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, यदि आर है, समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, वेव फ्रंट जो है क्या होगा, ऑलवेज क्या करना है, वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा प्रोपगेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, रिफ्रेक्टेड सिस्टम में, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड सिस्टम, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट सिस्टम, यहां से तुम क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, समझ में आया ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से, तो तुमको ये मालूम है कि अब क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है जितने टाइम में यहां से यहां जाना चाहिए, ठीक है, उतने ही टाइम में इसको कहां से यहां आना चाहिए, तभी तो ये एक वेव फ्रंट होगा ना यार, ये क्या हो जाएगा वेव फ्रंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला जितने टाइम में ये डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना चाहिए उतने ही टाइम में क्या होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है। अफकोर्स ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, बाद में हम देखेंगे। तो तुम यहां से प्रूव कर सकते हो, इधर क्या होगा, वेलोसिटी इस मीडियम में लाइट का लिख लो, इसको लिख लो, और कुछ साइन आई साइन आर यूज करोगे तो तुमको यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि एन वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन टू साइन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। स्नेल्सोलम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या रहा कि वेव फ्रंट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में ये हम अभी तक देख रहे थे। इसके बाद वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ क्या होता है, सॉरी हाइजन प्रिंसिपल्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, हाइजन प्रिंसिपल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। समझ में आया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वेव फ्रंट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वेव फ्रंट का शेप क्या होगा और वेव फ्रंट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट लाइट सोर्स के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, उसके बारे में क्या है हम देख रहे थे, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड बताऊं हम डिस्कस करेंगे, कौन सा पॉइंट, हाइजन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।